नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सितारगंज नगर पालिका ने महाराणा प्रताप चौक से सड़कुल रोड में सौंदर्यीकरण के नाम पर बनाई गई ऊंची नालियों से वार्डों में हो रही जल भराव की समस्या का समाधान करते हुए जेसीबी मशीन लगाकर ऊंचे स्लैब तोड़वा कर पानी की निकासी शुरू कराई, जिससे वार्डों का जमा पानी निकल सके। सितारगंज में पिछले कई वर्षों से नगर के सौंदर्यीकरण का कार्य अधर में लटका हुआ है। महाराणा प्रताप चौकी से सड़कुल को जाने वाले रोड पर सौंदर्यीकरण के नाम पर रोड के दोनों तरफ ऊंची नालियों का निर्माण कराया गया, जो वार्डों से काफी ऊंचाई पर बनाई गई हैं। उनके ऊपर स्लैब डालकर फुटपाथ बनाया गया है। नालियों के ऊंचे बनने से कई वार्डों की पानी की निकासी न होने से वजह से वार्डों में पानी जमा होने लगा, जिसकी शिकायत लगातार वार्डवासियों की ओर से प्रशासन और नगर पालिका से की गई है, लेकिन प्रशासन की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने पालिका कर्मियों को साथ लेकर वार्डों में जमा पानी की निकासी शुरू कराने के लिए जेसीबी मशीन लगाकर रोड किनारे बने स्लैब तोड़वाते हुए पानी की निकासी की व्यवस्था कराई है। सिद्धारगंज से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। नाली के ऊपर सौंदर्यीकरण में जो काम किया गया, उस पर जो है कि आप ये देखिए फुटपाथ बिछा दिए गए हैं, जिस कारण से जो है सफाई करने में हमारे कर्मचारियों को बहुत ही दिक्कत आ गई, और सफाई नहीं होने के कारण जो है कि नाली ऊपर तक भर गई और अब ये बैक पानी होने लगा। मैं उस समय भी जब ये नालियों के ऊपर जो है कि इस तरीके से फुटपाथ डाले जा रहे थे, मैं लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग को, उप जिलाधिकारी महोदय को और सारे अधिकारियों को लगातार ये कह रहा था कि इस तरीके से अगर ये स्लैब आप डाल दे रहे हैं तो सफाई नहीं होने के कारण सारा पानी जो है कि बैक होने लगेगा, क्योंकि जो है कि ये जो नालियाँ इन्होंने सौंदर्यीकरण की बनाई वो हमारी पीछे की गलियों से ऊँची बनाई हैं, और पानी नालियों में आने की बजाय जो है नालियों का पानी वापस गलियों में जा रहा है। आप देखिए बिल्कुल लबालब ये गलियां होती चली जा रही हैं, जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। तो आज मैं अपने सारे कर्मचारियों को लेकर, जेसीबी को लेकर यहाँ पहुँचा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इससे इस समस्या से निजात दिला सकूँ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।